नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में आज कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिरसा और फतेहाबाद के कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन में पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आज की भीड़ को देखकर लगता है कि कांग्रेस की लहर फिर से चल पड़ी है। कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। वहीं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का अभी कोई चेहरा सामने नहीं दिखाई दिया और न ही कांग्रेस किसी चेहरे को अभी आगे करेगी। कुमारी शैलजा ने नशे के मुद्दे पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा खुद का गांव कुछ ही दूरी पर है जहां पर नशा फैला हुआ है और इसे लेकर के वे कई बार अधिकारियों को शिकायत भी दे चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हवा फिर से चल पड़ी है। तो वहीं अशोक तंवर पर बैठक में नदारद रहने के बावजूद उनके किसी कार्यकर्ता के भी न पहुंचने पर पूछे गए एक सवाल में हुड्डा ने कहा कि अभी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं कोई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि टिकट वितरण के दौरान नए और पुराने दोनों कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, इसके साथ साथ उनको बराबर मौका भी दिया जाएगा। रॉबर्ट बाडा के कंपनी का लाइसेंस रद्द करने को लेकर के पूछे गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी के 75 पार के नारे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, बीजेपी अगर 110 पार का नारा देगी तो कौन रोक सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लालबत्ती चौक पर नशे के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठे परवीन काशी से मिलने भी पहुंचे। आप देखें पल पल फतेहाबाद से राजेश महाबू की विशेष रिपोर्ट। आपने जो ये यात्रा शुरू किया आठवां पड़ाव है, क्या महसूस कर रहे हैं, प्रदेश में क्या परिवर्तन आ रहा है? जो निराशा थी एक तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं में, लोगों में वो आशा में परिवर्तित हो रही है और जिस प्रकार से जिस संतोष से और जिस लोग आ रहे हैं हमारे साथी उससे साफ संगीत है मौजूदा सरकार से लोग विमुख हैं और कांग्रेस को सरकार लाना चाहते हैं। आगे प्रदेश पूरा प्रदेश दिखाई नहीं दे रहे, पूरा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के यहाँ नजर नहीं है। अशोक तंवर जी क्या इनके नहीं सिरसा लोकसभा में समागम पर कार्यक्रम कर रहे हैं? टोहाना में प्रोग्राम है अभी, इनका नहीं है जी, अभी टोहाना में प्रोग्राम है। हाँ जी अशोक तंवर जी ने रोबोट पार्टनर की स्काईलाइट कंपनी है सरकार लाइसेंस रद्द करने जा रही है। स्काई लाइट हॉस्पिटल का सरकार जो है लाइसेंस रद्द करने जा रही है। आज कांग्रेस नेता आज इस कार्यक्रम में नहीं आए, क्या टिकट के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा? नहीं आ जाएंगे तो बाकी प्रदेश में जो टिकटों का वितरण का कार्यक्रम है कब तक पहली सूची आने की संभावना है? अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन रही है, इलेक्शन कमेटी भी है। अशोक तंवर जी कह रहे हैं कि जो टिकट का आवंटन है वो नए कैंडिडेटों को आगे लाना चाहिए, नए लोगों को टिकट देना चाहिए। क्या रणनीति रहेगी आगे के चुनाव में, क्या किन मुद्दों को लेकर के आप उस भाजपा से शुरुआत करना रहेंगे? विफलताएं और हमारी कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां, ये दो पोल में देखेंगे लोग। इस सरकार से हर बार इस बार क्या उम्मीद की जाए कि महिलाओं को पहले से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा टिकटों के वितरण में? हमारे पास बहुत सी महिलाएं हैं जगह जगह पर जो कार्य कर रही हैं, बहुत मेहनत और कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा महिलाओं को इस बार बुला रहे हैं। बेतौर जी के इस टाइम में जो कमी खली एक जो संगठन खड़ा नहीं हो पाया पूरे प्रदेश के अंदर, वो जिसकी वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस हाशिए पे चली गई थी, क्या उस संगठन को लेकर के आप कितना संजीदा और कब तक संगठन बन जाएगा? राजस्थान के बॉर्डर एरिया में नशे का काफ़ी प्रकोप है, नशे के खिलाफ सरकार कांग्रेस का इसे बार आती है तो क्या प्लानिंग रहेगी? देखो पूरी सख्ती पर दी जाएगी ना केवल बॉर्डर्स पर, लेकिन जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है मैं आपको बता सकता हूँ मेरा गांव यहाँ से दूर नहीं है, हमारे गांव में इतना नशा है
बीजेपी के नेता, बीजेपी के नेता अकाली दल के मुलाकात से आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित किया जाएगा कांग्रेस का? नहीं, ये कांग्रेस कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हमारे सामने नहीं होता। हमेशा कांग्रेस पार्टी जिस तरह चुनाव लड़ती है, ये फैसला बाद में होता है और हमारी नेता करती है। आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट करके चल रही हैं? देखो, हमारे ये आदत नहीं है कि हम इनकी तरह से ऐसे ही कुछ जुमलेबाजी कर देंगे, कुछ करेंगे, लंबे मुझे नंबर लाएंगे या कुछ। लेकिन ये बात सभी मानते हैं और आप मेरे मीडिया के साथी भी मानोगे कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ रहा है कि इसमें कोई मुझे कहते हुए संकोच नहीं हो रहा कि सरकार कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में कंपेन के लिए।